राजधानी रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव का कांग्रेस की मानसून विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग पर एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि जिसमें उन्होंने कहा है कि मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है और समय निर्धारण छत्तीसगढ़ विधानसभा की परंपरा के अनुसार किया गया है। वहीं और सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है। इसी क्रम में योजनाओं के नाम बदलने पर कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने बारे में बात न करे। उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया, इस वजह से जनता ने उन्हें घर पर बिठा रखा है। वहीं बजरंग दल के प्रदर्शन और मॉब लिंचिंग की मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बजरंग दल की गौ तस्करों को लेकर कुछ मांगे थी, सरकार ने इस पर विचार किया है, ऐसी घटनाएं दोबारा न हो इसके लिए ठोस और मजबूत कदम उठाए जाएंगे। वो अपनी बातें ना कहें, 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि आपने कुछ नहीं किया और आपको घर बिठाया है। विष्णुदेव साय की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से बनी है उस दिन से छत्तीसगढ़ की जनता के इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है। हर क्षेत्र में योजनाएं बनाकर काम कर रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बना सके। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की कुछ मांगे थी, सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना है। ये सही है कि गौ तस्करी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में बंद होना चाहिए। देखिए, सरकार जो है हर मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार है और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से आज प्रदेश में राजनीति कर रही है, प्रदेश के वातावरण को खराब करने की, प्रदेश को अशांत बनाने की, किसी भी स्थिति में छत्तीसगढ़ की जनता ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी।